स्टेटमेंट ही रह गया ना वर्ल्ड T20 वाली। तो दूसरा ये मुझे लगता है कि सौरव गांगुली जो है ना वो डार्क हॉर्स है और ये अभी भी चेयरमैनशिप के लिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी बड़ा दिन है क्रिकेट फैंस के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है आज ICC की मीटिंग के बाद। 3:30 बजे मीटिंग होगी और उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप को क्या कैंसिल कर दिया जाए। और पिछले कुछ दिनों से जो हमने खबरें सुनी उनके अनुसार ये चीज़ तय है। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस खबर पर क्या कहना है। थोड़ी सी बात वे IPL की भी कर रहे हैं, UAE की भी कर रहे हैं और IPL पर भी एक काफ़ी बड़ी खबर है। डेकन चार्जेस का BCCI के साथ क्या केस था, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी वीडियो, आई थिंक आपको सभी को पता होगा, नहीं तो प्लीज़ आप वीडियो का लिंक आपको एंड में मिलेगा, ज़रूर देख लीजिए। देखते हैं इन दोनों खबरों पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, उसके बाद हम अपनी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। ICC की मीटिंग हो रही है मोहसिन भाई, क्या उसमें निकालेंगे? देखें जी, एक तो यह है कि वही फॉर्मल जो है एक स्टेटमेंट रह गई, अब तो वो स्टेटमेंट ही रह गया ना वर्ल्ड T20 वाली। तो दूसरा ये मुझे लगता है कि सौरव गांगुली जो है ना वो डार्क हॉर्स है और ये अभी भी चेयरमैनशिप के लिए, क्योंकि इस महीने के एंड पे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आना है BCCI के प्रेजिडेंटशिप के वाले से, उनके टाइम पूरा हो रहा है, उन्होंने वैसे तो अपील की ही है जी। और मेरा जाती ख्याल है कि उन्हें BCCI में ही होना चाहिए, मेरा जाती ख्याल है। हालांकि इस ब्लेसिंग के अगर वो ICC में आते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट को फायदा होगा, लेकिन उन्हें BCCI में रहेंगे तो इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मोहसिन भाई, डेक्कन चार्जर्स आपको पता है 2009 की IPL की चैंपियन टीम थी जी, तो उसको 2012 में उसने पैसे जमा नहीं कराए थे, जैसे इन्होंने वो मुल्तान सुल्तान का ओनर चेंज कर दिया यहाँ PSL ने, उन्होंने फिर नई बिड करवा दी BCCI वालों ने, IPL की जो मैनेजमेंट थी, नई टीम आ गई सनराइजर हैदराबाद, ये तब से कोर्ट में गए हुए हैं 2012 से। तो करते कराते इन्होंने कहा है, अभी कोर्ट ने इनके हक में फैसला दे दिया, इन्होंने ये बयान दिया कि भाई हम तो एक 100 करोड़ की वो एक अमाउंट जमा करवानी थी, टाइमली नहीं करवा सके या जो भी वजह थी, तो एकदम से हमें साइडलाइन कर दिया गया। तो उनका ये कहना है कि कुछ तो ऐसी फ्रेंचाइजेज हैं जो कोई बहुत ज़्यादा इलीगल प्रैक्टिस में भी मुलविस रही हैं, वो सस्पेंड होकर भी दोबारा आ गई हैं, तो उन पर तो बड़ी लीनियंसी शो की गई है, लीनियंट रहे हैं आप उन पर, तो हमारा क्या कसूर था? राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, जी जी जी। तो वो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, तो कोर्ट ने अभी जो ट्रिब्यूनल बना है उन्होंने जाके अभी इस पे फैसला दे दिया कि भाई साहब BCCI इनको जो ओनर्स थे डेक्कन चार्जर की फ्रेंचाइज के, उनको पैसे देंगे, और कितने पैसे देंगे, 4,800 करोड़ इंडियन रुपए उनको दिए जाएंगे। ये जो है फैसला है कोर्ट का। तो अब उसमें जो सूरत हाल है, BCCI ने बोला है कि भाई अभी तो हमने सिर्फ मीडिया से खबरें सुनी हैं, जब तक हमें उसकी ऑफिशियल कॉपी नहीं मिल जाती तो तब तक हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या सीन है। तो इतने ज्यादा पहे 4,800 करोड़ कैच रिश बोर्ड है, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे यार, IPL की कमाई है एक की इतनी, वो फिर एक कमा के IPL करवा के सारे पैसे डेक्कन चार्जर को दे दें। देखिए क्या मतलब दे दें, कोई खरात में तो नहीं दे रहे ना, बात यह है कि उनके साथ ज्यादती तो हुई है ना, ये माने ना आप, अब केस तो चलेगा, इतनी जल्दी तो पैसे नहीं देंगे, जहरी बात है, हो सकता है अभी तो केस फिर वो BCCI जो है वो रिव्यू में भी जाएगी, तो अभी ये लंबा चलेगा, लेकिन ठीक है, जस्टिस प्रिवेल हो गया है, इट्स गुड। तो जनाब, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज बड़ी इंटरेस्टिंग सूरतेहाल हो गई है, और वेस्ट इंडीज की सुस्ती की वजह से ये हो गया, और इंग्लैंड का बड़ा अच्छा कमबैक, और कल गुज़िश्ता कल तो खैर उससे जो पहले था तीसरे दिन का खेल तो हुआ ही नहीं था, लेकिन यही अंदाज़ा था कि 250-300 के बीच में करेगा, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जो काम ख़राब किया भाई, 244 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और फिर कितना जी 287 पे पूरी टीम ही बुक हो गई है। देखिए 57 रन के अंदर बाकी जो 6 खिलाड़ी हैं वो भी आउट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा नया गेंद आया मोहसिन भाई, ब्रॉड ने फिर अपना काम दिखाया कि भाई उसको गुस्सा तो पहले चढ़ा हुआ था, मुझे क्यों निकाला मुझे पहले मैच में से, लोगों ने कहना मतलब मुसलसल कहना शुरू कर दिया कि बस जी हुण ते वेस्ट इंडीज जेड़ा ना सेफ्टी जोन में आ गया है, तो फलाना मैं कह यार वेट फॉर अ विकेट एंड देन यू विल सी के मैच कैसे टर्न अराउंड। फिर तो ये हो गया था कि तकरीबन 18 रन चाहिए थे तो 8 आउट हो चुके थे। हाँ। तो मैंने उस वक्त भी इन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, वेस्ट इंडीज जो है ना वो गिरते पड़ते फॉलो ऑन बचाएगा,
और आराम से बचाया जाएगा और वही हुआ बचाया। लेकिन कल बड़ा सिवाय ब्रॉड के, बेशक वोक्स ने 3 आउट किए हैं, बेशक करण ने 2 आउट किए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल आप यकीन करें रिजवान इतना, यानी शाम तक ये मैच ऐसे ही था कि टीवी बंद ही कर दिए। कंक्लूजन दें आप, कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि इंग्लैंड के पास बड़ा चांस है कि वो आज जीत सकता है, जीत सकता है। मैं अगर कप्तान, मतलब बेन स्टोक्स और रूट, मैं हूँ रूट, तो मैं 5 ओवरों का दिमाग में सोच के आऊंगा, क्योंकि अभी तो टारगेट जो है ना वो सेफ नहीं है कि आप ओवरनाइट पे डिक्लेयर कर दें। नहीं, नहीं, ये तो सेफ नहीं है, तो पागलपन होगा। 219 है सिर्फ, यस पुट 50 मोर रन्स, 270 इज अ सेफ टारगेट। वेस्ट इंडीज विल बी इन अ फिक्स टू सेव द मैच, बचा पाएगा विक्ट्री, हार जाएगा वेस्ट इंडीज। देखिए विकेटों पे डिपेंड करता है कि विकेट कैसे बचाते हैं। अभी पहला जो पहला घंटा होगा ना वेस्ट इंडीज की बैटिंग का, वो बता देगा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि वेस्ट इंडीज को ये मैच यहाँ से हारना नहीं चाहिए। दोस्तों मीटिंग के खत्म होते ही हम इस पर डिटेल से बात करेंगे हमारे स्पेशल शो गेम ओवर में, इसमें क्या फैसले लिए गए। और पिछली बार जैसा कि हमने देखा कि मीटिंग से बाहर आते ही सौरव गांगुली ने बड़ा ऐलान किया था आईपीएल पर, तो बिल्कुल दादा तुरंत फुरंत कार्रवाई करते हैं और फटाफट से डिसीजन लेते हैं। तो जैसे ही इस पर फैसला आता है, हो सकता है हमें आईपीएल को लेकर भी कोई बड़ी न्यूज, यूएई में आईपीएल होना है उस पर कंफर्मेशन, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी न्यूज मिल सकती है। आईसीसी मीटिंग पर डिटेल्ड वीडियो यहाँ है, जरूर देखें। मिलेंगे आईसीसी मीटिंग के जस्ट बाद, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।